वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे है 64 टू द पावर 2/3। सो हमें पता है कि 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, और यहाँ जो 2/3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस क्यूब रूट ऑफ 125, हमें पता है कि ये 5 होता है। माइनस 1/2 टू द पावर -5 है, जिसे कि हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। प्लस 27 टू द पावर -2/3 है, सो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और यहाँ पे जो -2/3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटू 25/9 है, इसको कि हम लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर, और यहाँ जो -1/2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जा रहा है। सो हमें मिल रहा है 4 का स्क्वायर मींस 16 -5 -2 टू द पावर 5 मींस 32 प्लस 3 टू द पावर -2 है मींस 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9 हो जाएगा। इंटू 5/3 टू द पावर -1 है, इसे कि हम लिख सकते हैं 3/5। सो यहाँ पे भी ये 9 जो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। सो हमें मिलेगा 16 -5 -32 मीन्स 16 -37 प्लस 1/3 × 1/5 इज 1/15। सो 16 -37 अगर हम करें तो हमें मिलेगा -21 प्लस 1/15। सो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं 15, तो हमें मिलेगा -350 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -314 डिवाइडेड बाय 15, जिसे हम लिख सकते हैं -20 14/15। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।